हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, हम लोग किडनी में पढ़ रहे थे यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन फॉर्मेशन में लास्ट टाइम हम लोगों ने अल्ट्राफिल्ट्रेशन पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन कैसे होगा, यूरिन कंसनट्रेट कैसे होगा। यूरिन फॉर्मेशन के लिए कंसनट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट कंसनट्रेट होगा तभी वो यूरिन कहलाएगा। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म आज हम लोग को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए चालू करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। मैमल्स में इस बात की संभावना बनी कि हम लोग कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकें, यूरिन का कंसनट्रेशन कर सकें। द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। आपसे पूछा जाता है कि हेनले लूप और वासा रेक्टा का क्या सिग्निफिकेंस है, हेनले लूप और वासा रेक्टा का सिग्निफिकेंस है इन द कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन को कंसनट्रेट करने में इनका रोल है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनले लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म अ काउंटर करंट। तो अगर आपको याद हो, हेनले लूप लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि हेनले लूप में कैसे होगा, दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो मानिए ये हमारा बॉमन कैप्सूल है, बॉमन कैप्सूल में फिल्ट्रेट बना, तो बॉमन कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल के बाद हेनले लूप्स। तो हेनले लूप में आप देखेंगे एक में डिसेंडिंग आर्म में फिल्ट्रेट नीचे जा रहा और असेंडिंग आर्म में फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा। तो इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो, तो इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म हम लोग बोलते हैं। The flow of filtrate in the two limbs of Henle loop is in opposite direction and thus form a counter current, और इस तरह से counter current formation करता है। The flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in counter pattern, और इसके साथ जो वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा भी अपोजिट डायरेक्शन में, उसमें भी ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं वासा रेक्टा को भी, कि वासा रेक्टा में कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है। तो एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं अपना नेफ्रॉन का डायग्राम एक बना लेते हैं, न्यूरॉन नहीं नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन का डायग्राम हम लोग बना लेते हैं रीनल टिब्यूल का, और उसमें देखते हैं कि कैसे फ्लो हो रहा है फिल्ट्रेट। तो ये मानिए हमारा बॉमन कैप्सूल है, बॉमन कैप्सूल में उसके बाद पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का डिस्टल आर्म, डिस्टल आर्म के बाद डिसेंडिंग आर्म, डिसेंडिंग आर्म के बाद थिन डिसेंडिंग, थिन असेंडिंग, थिन असेंडिंग के बाद थिक असेंडिंग, थिक असेंडिंग के बाद हमारी डीसीटी, डिस्टल मोड पार्ट डीसीटी का कनेक्टिंग टिब्यूल, और फिर वो खुला किसमें जाके कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट से हमारा मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। इसमें आ रहा है हमारा क्या, एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल जब आया, उसने यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाया, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड वापस। एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा है, एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम है। अब आप देखिए लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में हो रहा है कि फिल्ट्रेट जब इधर से इधर जा रहा है डिसेंडिंग आर्म में, फिल्ट्रेट का फ्लो इधर है, और असेंडिंग आर्म में फिल्ट्रेट का फ्लो इधर है ऊपर की तरफ। तो यही है हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसके साथ आप देखेंगे कि एफरेंट आर्ट्रियोल की, एफरेंट आर्ट्रियोल की ब्रांच हमारी पेरिटुबुलर कैपिलरी, जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल और डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल के चारों तरफ है। इसी की एक ब्रांच है वासा रेक्टा, वासा रेक्टा इसी की ब्रांच है। तो वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो जो हो रहा है, इसमें देखिए ब्लड नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है और इसमें ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो वासा रेक्टा में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। कि वासा रेक्टा में भी ब्लड जो है, आप देखिए जो डिसेंडिंग आर्म है उसमें ब्लड का फ्लो इधर है, और वासा रेक्टा की जो असेंडिंग आर्म है उसमें ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ है। तो ये है हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो हेल्प करता है इन द कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ओके, चलिए हम लोग चलें अपनी उस वाली स्लाइड पे। तो द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनले लूप एंड द वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड from the 300 milliosmol in the cortex to about 1200 milliosmol in the inner medulla. तो देखिए ये दोनों आपस में इतने पास हैं, उस वजह से क्या है जी, प्रॉक्सिमिटी जो कह रहा कि ये एक दूसरे के आसपास होने की वजह से, और हम देखेंगे आउटर कॉर्टेक्स में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी कॉर्टेक्स में, आउटर कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल है, वेयर एज 300 मिली ऑस्मोल ये मेडुला में नीचे की तरफ 1200 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलैरिटी है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जैसे जैसे हम लोग कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ चलेंगे, एट द डेप्थ ऑफ द मेडुला ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है। ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा क्यों मिल रही है? क्योंकि यूरिया और NaCl, यूरिया और NaCl यहाँ हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मिलता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको यूरिया और NaCl मिलेगा, उस वजह से हाई ऑस्मोलैरिटी मिलेगी एट द डेप्थ ऑफ द मेडुला। जबकि कॉर्टेक्स के आउटर कॉर्टेक्स की तरफ ये 300 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलैरिटी है। तो इतना ज़्यादा आपको हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ हम जा रहे हैं, इसी वजह से फिल्ट्रेट जब फ्लो करेगा नीचे की तरफ आएगा, तब फिल्ट्रेट पीसीटी में आइसोटोनिक होता है, और जैसे जैसे नीचे आता है वाटर बाहर निकलता रहेगा, क्योंकि ये जो डिसेंडिंग आर्म है ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है लेकिन वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर बाहर निकलता रहेगा। और यहाँ पे जब फिल्ट्रेट आएगा एट द डेप्थ ऑफ द लूप ऑफ हेनले, एट द डेप्थ ऑफ द लूप ऑफ हेनले जहाँ से वापस जा रहा है वहाँ पे हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाएगा। इन कंपैरिजन टू ब्लड प्लाज्मा फिल्ट्रेट विल बिकम हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक हो जाएगा। अब यहाँ से जब वापस जा रहा है तो धीरे धीरे फिर से ये जब डीसीटी में पहुँचेगा आइसोटोनिक हो जाएगा, क्योंकि NaCl इलेक्ट्रोलाइट असेंडिंग आर्म से बाहर आते रहेंगे लेकिन वाटर बाहर नहीं आएगा। तो NaCl वगैरह बाहर आने की वजह से वापस ये फिल्ट्रेट हमारा जब डीसीटी में पहुँचेगा तो आइसोटोनिक हो चुका होगा। अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म रोल प्ले करता है इन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के कंसंट्रेशन होने में। चलिए अब हम लोग फिर से वहीं चलें, उधर देखते हैं क्या कह रहा जी। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेस लूप, हेनले लूप की साथ के साथ वासा रेक्टा एक दूसरे के बहुत समीप है, एज वेल एज काउंटर करंट इन दैम, और उन दोनों के बीच में काउंटर करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें फ्लो हो रही हैं। हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोलैरिटी, ये हेल्प कर रहा किस चीज़ को? ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में, टूवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल, कि मेडुला के इनर मेडुला के डेप्थ में इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वहाँ पे हाई ऑस्मोलैरिटी कंडीशन मेंटेन करने में रोल है किसका? हेनले लूप का और वासा रेक्टा का। फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलैरिटी इन द कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स 300 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलैरिटी है, टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलैरिटी इन द इनर मेडुला, और इनर मेडुला में ये ऑस्मोलैरिटी नियर अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल की है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज बाय NaCl एंड यूरिया, और ये जो ग्रेडियंट बन गया, ग्रेडियंट का मतलब अंतर जो बन गया है, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। NaCl जो बाहर आया है, फिर से उधर चलूँ अपने डायग्राम पे, NaCl ये जो बाहर आया है ये वासा रेक्टा की इधर ब्रांच में जो नीचे जा रही है इसमें NaCl एंटर हो जाएगा। तो NaCl जो असेंडिंग आर्म से लूप ऑफ हेनले से बाहर आया है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वो एंटर हो जाएगा किसमें? वासा रेक्टा की डिसेंडिंग ब्रांच में, और वासा रेक्टा की असेंडिंग ब्रांच से NaCl फिर बाहर निकल आएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो वासा रेक्टा की असेंडिंग ब्रांच से फिर से NaCl निकल आएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग एक नया डायग्राम बनाएं और उसमें आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें कंजस्टेड हो गई थी। तो एक बार फिर से डायग्राम बना के हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये है हमारा बॉमन कैप्सूल, बॉमन कैप्सूल के बाद PCT, PCT के बाद हमारा लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग, लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग के बाद थिन डिसेंडिंग, थिन डिसेंडिंग के बाद थिन असेंडिंग, थिन असेंडिंग के बाद थिक असेंडिंग, और हमारी डीसीटी। तो आप देखेंगे कि इसमें से वाटर बाहर आ रहा है, वाटर के बाहर आने से जब फिल्ट्रेट यहाँ डेप्थ में पहुँचा है तब हाइपरटोनिक हो गया है, और असेंडिंग से जब ये डीसीटी में पहुँचता है तब तक वापस आइसोटोनिक हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो आर्म है वो आर्म इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो परमिएबल है लेकिन वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर आते रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के बाहर आने की वजह से जब फिल्ट्रेट यहाँ पहुँचेगा डीसीटी में तो हाइपरटोनिक हो चुका होगा। अब इसके साथ आप बना लीजिए वासा रेक्टा की ब्रांच। इस बार वासा रेक्टा की ब्रांच में उसके चारों तरफ ना बना के इधर बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। तो वासा रेक्टा की डिसेंडिंग और वासा रेक्टा की असेंडिंग, ये जो NaCl बाहर आया ये NaCl वासा रेक्टा में इधर डिसेंडिंग में एंटर हो जाएगा। NaCl वासा रेक्टा में एंटर हो गया डिसेंडिंग में, और असेंडिंग में ये NaCl फिर बाहर आ गया है कहाँ जी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो ये लेन देन जो चला है इस वजह से हम देखेंगे कि हाइपर ऑस्मोलैरिटिक कंडीशन मेंटेन हो जाएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। साथ के साथ यूरिया का भी, NaCl के साथ यूरिया का भी रोल है। यूरिया का रोल ये है कि हमारी ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है इससे यूरिया बाहर आएगा और सम अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर हो जाएगा हमारा किस में, असेंडिंग ब्रांच में लूप ऑफ हेनले की, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, लेकिन कुछ यहाँ पे यूरिया रह भी जाएगा। तो यूरिया रह गया कुछ रह गया NaCl। उसी वजह से आप जब कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ चलेंगे तो हाई ऑस्मोलैरिटी कंडीशन मेंटेन देखने को मिलेगी। 300 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलैरिटी बाहर की तरफ है आउटर कॉर्टेक्स में, और मेडुला के डेप्थ में आपको 1200 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलैरिटी देखने को मिल रही है। तो इसको मेंटेन करने में किसका रोल है, इसको मेंटेन करने में, हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में रोल है वासा रेक्टा का और लूप ऑफ हेनले का, जिसकी वजह से नीचे यहाँ पे आपको हाई ऑस्मोलैरिटी मिल रही है। और इसी वजह से जब फिल्ट्रेट बाहर निकलेगा, किडनी से बाहर जा रहा है, कलेक्टिंग डक्ट जब इसको छोड़ के रीनल पेल्विस से बाहर जाएगी तब 4 टाइम यूरिन मतलब कंसनट्रेट होकर निकलेगा। 300 मिली ऑस्मोल से जब वो बाहर निकला है तब 1200 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलैरिटी है आउटर कंडीशन में। इसलिए व्हेन यूरिन लीव्स द हमारा ये कलेक्टिंग डक्ट इट बिकम्स 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड, 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो यूरिन के कंसनट्रेशन में किसका रोल है, यूरिन के कंसनट्रेशन में रोल है हमारे वासा रेक्टा का और लूप ऑफ हेनले का, क्योंकि उसकी वजह से, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले की वजह से, काउंटर करंट की वजह से मेडुला के डेप्थ में हाई ऑस्मोलैरिटी कंडीशन मेंटेन है, हाई ऑस्मोलैरिटी कंडीशन मेंटेन है, उसकी वजह से यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है। तो ये है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है, आपसे यही पूछा जाता है कि जो यूरिया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बाहर आई, क्वेश्चन अब आप देखिए जो फ्रेम होते हैं, पूछा जाता है जो यूरिया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बाहर आई वो रीनल ट्यूब्यूल के किस पार्ट में एंटर हुई है, आपका जवाब होगा इट एंटर्स इन टू द लूप ऑफ हेनले वाया थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के थिन सेगमेंट से ये यूरिया अंदर एंटर हुई है, ठीक है जी। उसके अलावा NaCl का पूछा जाता है कि NaCl का एक्सचेंज रीनल ट्यूब्यूल और वासा रेक्टा में कहाँ पे हो रहा है, तो NaCl बाहर निकल रहा है कहाँ से, हमारे असेंडिंग ब्रांच से, लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग आर्म से NaCl बाहर आया है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और वासा रेक्टा की डिसेंडिंग ब्रांच, डिसेंडिंग आर्म कह लीजिए या डिसेंडिंग लिम्ब कह लीजिए, वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब से वासा रेक्टा में एंटर हुआ और वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब से वो वापस बाहर आ गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये बातें आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, यही बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो चलिए आगे चलता हूँ। अब मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात हो गई। दिस ग्रेडियंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल बाय NaCl एंड यूरिया। NaCl और यूरिया की वजह से ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा है। NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop, NaCl का transportation ascending limb of Henle loop से, which is exchanged with the descending limb of vasa recta, जो descending limb of vasa recta से exchange उसने आदान प्रदान किया। NaCl is returned to the interstitial fluid by the ascending portion of the vasa recta, और वापस ये इन जो वासा रेक्टा में एंटर हो गया NaCl वापस ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब वासा रेक्टा की असेंडिंग ब्रांच बनेगी तब ये उससे वापस आ जाएगा। NaCl is returned to the interstitial fluid by the ascending portion of the vasa recta. Similarly, small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop. इसी तरह से कुछ अमाउंट यूरिया का हेनले लूप के थिन सेगमेंट में असेंडिंग आर्म में एंटर हो जाएगा, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाय द कलेक्टिंग टिब्यूल, और जो कलेक्टिंग टिब्यूल से वापस आ जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो ये आपका सिस्टम जो चल रहा है यूरिया और NaCl का लेन देन एक्सचेंज का बिटवीन वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग टिब्यूल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड्स द इनर मेडुला। This mechanism helps to maintain a concentration gradient in medullary interstitium. ये mechanism help कर रहा है concentration gradient को बनाने में medullary interstitium में। Presence of such interstitial gradients helps in the easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentration of urine. क्योंकि भैया यहाँ पे आपके हाई ऑस्मोलैरिटी कंडीशन है, इसलिए कलेक्टिंग टिब्यूल से जैसे ही फिल्ट्रेट बाहर को जा रहा रीनल पैल्विस की तरफ, वाटर इधर आता रहेगा और यूरिन कंसनट्रेट हो जाएगा, नियर अबाउट 4 टाइम कंसनट्रेट हो जाएगा। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। जो इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है उसकी जो हम देखेंगे वो आइसोटोनिक है प्लाज्मा के, और जब ये यूरिन में बदलता है, जब कलेक्टिंग टिब्यूल से छोड़ के इस रीनल पैल्विस में जाता है, तब ये 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड हो चुका होता है, इतना ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पे आइए, ये था आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब हम लोग करते हैं बात रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस एंड अ सर्टेन एक्सटेंट बाय द हार्ट बाय एट्रियल नैट्रियोरेटिक फैक्टर। तो हमारे किसका रोल है किडनी के फंक्शन को मेंटेन करने में? हाइपोथैलेमस का, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस का, और टू सर्टेन एक्सटेंट हार्ट का, हार्ट सिक्रीट कर रहा है एट्रियल नैट्रियोरेटिक फैक्टर। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस के हार्मोन की हम लोग बात कर लें। हाइपोथैलेमस में जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, न्यूरॉन जो है जिनके एग्जॉन की एंडिंग आके पोस्टीरियर लोबो पिट्यूटरी पे हो रही है, वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कौन सा जी? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। Another name of anti-diuretic hormone is vasopressin. Anti-diuretic, diuresis के anti, diuresis मतलब excessive fluid in the urine. अगर यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, यूरिन का कंटेंट, वाटर कंटेंट बढ़ जाए, तो हम लोग कहेंगे डायूरेसिस हो गया। डायूरेसिस कॉजिंग जो हमारे कुछ एक चीज़ें हैं, बियर हो गई डायूरेसिस करवाती है, और टी हो गया, कॉफ़ी हो गई, जो डायूरेटिक कहलाते हैं, जिनकी वजह से यूरिन में बढ़ जाएगा हमारा क्या, फ्लूइड। यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये सब्सटेंसेज ऐसे हैं जो डायूरेटिक कहलाते हैं। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये वो हार्मोन है जो फिल्ट्रेट से वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, तो यूरिन जो है मोर कंसनट्रेटेड होगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट कौन कर रहा है? हमारी हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल सिक्रीट कर रही हैं, और इसे रिलीज कौन करता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है ऑफ द ब्रेन एंड रिलीज इन टू द ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और ब्लड में रिलीज हो रहा है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। द रिलीज इज ट्रिगर व्हेन द ऑस्मोरिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस डिटेक्ट एंड इंक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी। अब इसका रिलीज कब होगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन हम चाहते हैं जब ये वाटर रिटेन करे बॉडी, तब होगा। और वाटर रिटेन करे बॉडी कब करेगी? जब हमारी ऑस्मोलैरिटी, मानिए ब्लड फ्लूइड की, रीनल प्लाज्मा की बढ़ गई। अगर हमारे टिश्यू फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, मतलब अब वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया। ज़्यादा कंसनट्रेटेड कब हो गया? जब यूरिन में ज़्यादा वॉल्यूम जा रहा किसका? वाटर का। तब हाई ऑस्मोलैरिटी को सेंस किसने किया? कीमो रिसेप्टर ने, कि ऑस्मोरिसेप्टर ने, और ऑस्मोरिसेप्टर ने हाइपोथैलेमस ने जब सेंस किया कि भाई कुछ गड़बड़ है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, तो वो क्या करेंगे? वो सिक्रीट करवाएंगे हाइपोथैलेमस से किसको? एंटी डायूरेटिक हार्मोन को। तो ऑस्मोरिसेप्टर ने सेंस किया कि हमारे टिश्यू फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, क्योंकि वाटर का ज़्यादा एक्सक्रीशन हो गया। अब वाटर हमें मेंटेन करना है बॉडी में, वापस हमें ऑस्मोलैरिटी जो हाई हो गई उसको डाइल्यूट करना, तो वाटर रिटेन करना पड़ेगा। वाटर रिटेन करने के लिए क्या सिक्रीट किया? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, विच इन्फ्लुएंसेस द, जो अपना काम करेगा, इन्फ्लुएंसेस द वाटर अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी। डीसीटी से वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा एंड कलेक्टिंग डक्ट, देयर बाय रिस्टोरिंग द ऑस्मोलैरिटी। और ऑस्मोलैरिटी जो ज़्यादा हो गई वो वापस मेंटेन हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट किसने किया है? हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ने। रेनिन एंजियोटेंसिन, इस मैकेनिज्म को समझिए जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रास बोलते हैं, RAAS। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कंट्रोल बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। इट ऑपरेट्स अ मल्टी हार्मोनल, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम रास सिस्टम को ऑपरेट करता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। द स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द बोथ एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल की स्मूथ मसल सेल और इफरेंट आर्टियोल की स्मूथ मसल सेल आर स्वेलन, वो थोड़ी सी स्वेलन हो गई हैं, फूल गई हैं, एंड कंटेन डार्क ग्रेन्यूल्स, दीज आर कॉल्ड, और ये सेल्स जो स्वेलन हो गई हैं और जिसमें डार्क ग्रेन्यूल्स हैं रेनिन के, वो सेल्स कहला रही हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स सिक्रीट एन एंजाइम रेनिन, ये क्या सिक्रीट कर रही हैं? एंजाइम रेनिन। इनटू द ब्लड स्ट्रीम, रेनिन चेंजेस ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन इनटू द एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2। तो रेनिन जो सिक्रीट किया किसने? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ने। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ने जब ब्लड में रेनिन सिक्रीट किया, रेनिन ने क्या किया? रेनिन ने ब्लड में मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को बदल दिया एंजियोटेंसिन 1 और बाद में एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीजेस बीपी, एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? बीपी को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग ब्लड वेसल्स, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन किया। तो अगर मानिए किसी पाइप में ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर आप उसका डाया कम कर देंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा दिया स्मूथ मसल्स को, वेसल्स की, जिससे कि बीपी बढ़ जाएगा। इट आल्सो इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम बाय 2 वेज, तो बीपी तो बढ़ा ही रहा, साथ में ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ाएगा। कैसे? फर्स्ट, इट इन्हांसेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फ्रॉम द पीसीटी। पहली बात तो इन्होंने पीसीटी पे एक्ट करके, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करके रीअब्जॉर्प्शन बढ़वाया सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ने से वाटर विल फॉलो द सोडियम क्लोराइड, वाटर भी अब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड सेकंड, स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड टू सीक्रेट एल्डोस्टेरोन एंड देन एल्डोस्टेरोन विल एक्ट ओवर द डीसीटी सेल्स पे एक्ट करेगा, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और वहां से सोडियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन बढ़वा देगा। एंड एल्डोस्टेरोन देन इंड्यूसेस द डीसीटी टू एब्जॉर्ब मोर सोडियम मोर वाटर। तो बीपी जो लो हो गया था या ब्लड प्रेशर जो लो हो गया था, ब्लड वॉल्यूम जो कम हो गया था, वो रीस्टोर हो जाएगा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के काम करने से। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स किसकी हैं? एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल की सेल्स हैं, जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहला रही हैं, जो इन्फ्लेम्ड सेल है, थोड़ी सी स्वेलन सेल्स है। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ डीसीटी डेट कम इन कॉन्टैक्ट with the afferent and efferent arteriole are denser and are other tubule cells and are collectively called macula densa cells। तो ये हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस बना हुआ है। देखिए, ये एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल, इसकी कुछ सेल्स में रेनिन आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, जिसकी वजह से सेल्स आपको थोड़ी सी स्वेलन दिखाई देंगी, और ये सिक्रीट करेंगी रेनिन। रेनिन करेगा एंजियोटेंसिनोजन पे काम। एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन है, जो बना कौन रहा है? लीवर। लीवर बनाता है एंजियोटेंसिनोजन, और एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में किसने करवाया है? रेनिन ने। तो रेनिन ने जब एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन करवा दिया, तो एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। साथ में एंजियोटेंसिन 2 क्या करवाएगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाएगा। एल्डोस्टेरोन डीसीटी से सोडियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन करवाएगा, सोडियम क्लोराइड के साथ साथ वाटर एब्जॉर्ब होगा, और हमारा बीपी और ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा। ये मैकुला डेंसा सेल्स है। मैकुला डेंसा सेल्स ये हमारी एफरेंट आर्टियोल और रिफरेंट आर्टियोल के बीच में कभी कभी डीसीटी की सेल्स आ जाती हैं। तो जो डीसीटी की सेल्स एफरेंट आर्टियोल और रिफरेंट आर्टियोल के बीच में आ गई हैं, वो सेल्स कॉलुमनर हो जाती हैं क्यूबॉइडल छोड़ के। आप देखेंगे, अगर आपको याद हो, कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की एपिथेलियल जो है क्यूबॉइडल है, लेकिन ये सेल्स जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गई हैं एफरेंट आर्टियोल और रिफरेंट आर्टियोल की सेल्स के, डीसीटी की सेल्स ये क्यूबॉइडल से कॉलुमनर हो गई हैं और ये मैकुला डेंसा सेल्स कहलाती हैं। तो मैकुला डेंसा सेल्स ही कीमो रिसेप्टर की तरह काम करती हैं और यही रेनिन के सिक्रीशन को करवाती हैं। तो ये है हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलें। हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एट्रियल नैट्रियोटिक फैक्टर। Atrial natriuretic factor causes the vasodilation and thereby decrease the blood pressure। तो हार्ट में, हार्ट के एट्रिया में, मसल्स में ये खासियत है कि वो सेंस कर सकती हैं कि बीपी बढ़ रहा है या ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है। हमारे एट्रिया चैम्बर में ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है तो उसकी वजह से बीपी ज़्यादा महसूस करेगा। जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो नेचुरल सी बात है डायलेशन होगा एट्रियल वॉल का। एट्रियल वॉल का डायलेशन वो सेंस करता है तो वो एट्रियल नैट्रियोटिक फैक्टर सिक्रीट करता है और एट्रियल नैट्रियोटिक फैक्टर एंटागोनिस्ट है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के। जो काम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कर रहा एंटी डाई, ये हमारा एट्रियल नैट्रियोटिक फैक्टर उसका एंटागोनिस्ट है, विपरीत काम करेगा। तो वो बढ़ा रहा था बीपी और ब्लड वॉल्यूम, ये घटाएगा कि बीपी घट जाए ब्लड वॉल्यूम घट जाए। एट्रियल नैट्रियोटिक फैक्टर सिक्रीट कौन कर रहा है? हमारे हार्ट की एट्रियल मसल्स। यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर। फाइनली जो यूरिन बना और कलेक्टिंग डक्ट से छोड़ के बाहर आ गया रीनल पेल्विस से, और रीनल पेल्विस से यूरेटर उसको ले आएंगे यूरिनरी ब्लैडर पे। तो यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड, जहाँ पे ये स्टोर रहेगा जब तक कि आपको प्रॉपर जगह ना मिल जाए कि आप हल्के हो लें। आप कहीं भी खड़े होके प्रोग्राम चालू नहीं कर देंगे, तो ये थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेता है यूरिन को। वेयर इट इज स्टोर टिल द यूरिनरी ब्लैडर गेट्स फिल्ड विद यूरिन। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू द सीएनएस। यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं जो दबाव महसूस करेंगे, स्ट्रेच महसूस करेंगे और सीएनएस को सेंसरी इंपल्स भेजेंगे कि भाई ज़रूरत है, कहीं रुको और निपट लो। द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेट सिग्नल्स टू द सीएनएस। द सीएनएस पासेज ऑन मोटर मैसेज टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। सीएनएस तब कमांड भेजेगा स्मूथ मसल्स को टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर। तो आपसे पूछा जाता मिक्चुरेशन के समय यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स क्या कर रही हैं? रिलैक्स कर रही हैं। यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स रिलैक्स करेंगी मिक्चुरेशन के समय? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स मिक्चुरेशन के समय यूरिन पासेज के में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस जो है स्फिंक्टर वो रिलैक्स करेगा एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिन रिलीज हो जाएगा। द इंटरनल स्फिंक्टर एंड यूरिनरी ब्लैडर सप्लाइड बाय बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्व। इंटरनल स्फिंक्टर और यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई किसकी है? दोनों की, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक दोनों की है। द एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज सप्लाइड बाय द, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर को सप्लाई है सोमैटिक नर्व्स की। फंक्शन ऑफ सिम्पैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथिक नर्व के फंक्शन आप समझ लीजिए। फंक्शंस ऑफ सिम्पैथेटिक नर्व, इट कॉजेज द रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रोसर मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। सिम्पैथेटिक नर्व का स्टिमुलेशन आएगा तो डिट्रोसर मसल्स जो यूरिनरी ब्लैडर की हैं रिलैक्स करेंगी। मतलब ये कैसे संबंधित है? ये फीलिंग से संबंधित है। फील करेगी, भाई आप ब्लैडर को फैला देंगे तो वो फीलिंग के लिए काम कर रहा है। डिट्रोसर मसल्स को रिलैक्स करवाएगा सिंपैथेटिक नर्व का स्टिमुलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर। साथ में इंटरनल स्फिंक्टर को उसने क्या किया? कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, तो छेद बंद कर दिया ताकि पानी बाहर ना आ जाए। सो इट कॉजेज फीलिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इसलिए सिंपैथेटिक नर्व जो है हमारी, ये कहलाती है नर्व ऑफ फीलिंग। वेयर एज फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व, द स्टिमुलेशन ऑफ दिस नर्व कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिट्रोसर मसल्स एंड द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर का रिलैक्स कर दिया, डिट्रोसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व का स्टिमुलेशन क्या करेगा? ये एम्प्टी कराएगा, यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी कराएगा। एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर सो नोन एज द नर्व ऑफ एम्प्टिंग। नर्व ऑफ फीलिंग सिम्पैथेटिक, नर्व ऑफ एम्प्टिंग पैरासिम्पैथेटिक। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। तो यूरिन को पास करना मिक्चुरेशन कहलाता है एंड द मैकेनिज्म कॉजिंग इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। और जो मैकेनिज्म है उसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज मिक्चुरेशन एंड द मैकेनिज्म इज कॉल्ड यूरिनरी रिफ्लेक्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे एक्सक्रीट करते हैं हम लोग। द यूरिन फॉर्म, यूरिन जो बनेगा लाइट येलो कलर का है, वाटरी फ्लूइड लाइट येलो कलर पेल कलर का है। और कलरेशन क्यों आ रहा है? ड्यू टू द पिगमेंट यूरोक्रोम, आगे लिखा होगा कहीं ना कहीं, अभी आपको हाईलाइट कर देता हूँ। एसिडिक है, यूरिन ज़्यादातर एसिडिक होगा, नियर अबाउट पीएच वैल्यू 6 एंड एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, और इसकी एक विशेष दुर्गंध है कह लीजिए। द कलर इज ड्यू टू द पिगमेंट यूरोक्रोम, ये देखिए कलर पिगमेंट यूरोक्रोम पूछा जा चुका डीपीएमटी में कि इसका यूरिन का कलरेशन पेल येलो कलर का क्यों है, ड्यू टू द पिगमेंट यूरोक्रोम विच इज़ ब्रोकन डाउन प्रोडक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। द हाई प्रोटीन डाइट प्रोड्यूसेस एसिड यूरिन बिकॉज ऑफ द एसिडिक प्रोडक्ट फ्रॉम बाय द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो यूरिन जो है एसिडिक हो जाएगा। ऑन एन एवरेज 25 टू 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड, ये याद रख लीजिएगा, 1 से 1.5 लीटर यूरिन 24 आवर्स में, और उसके अलावा पर डे यूरिया का एक्सक्रीशन 25 टू 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडी इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन एंड हम लोग का डायलिसिस डिसऑर्डर, ये हम लोग अगली बार पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो आज की क्लास के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस एंड रास आपको याद रखना है। आज हम लोगों ने काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा, कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन, उसके बाद हम लोगों ने यूरिन के फंक्शन को मेनटेन रखने में जिनका रोल है वो पढ़ा है, और आखिरी में आके यूरिन का थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि एम्प्टिंग मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स को देखा। सो नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू द डिजीजेज ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डायलिसिस को हम लोग देखेंगे, आर्टिफिशियल किडनी को देखेंगे, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। सो टिल देन गुड लक, गुड बाय, आप करिए तैयारी अपनी, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।